क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन भी क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 7 and 8। हमारे पास दो नंबर है 7 और दूसरा नंबर है 8। इसे दो डिजिट वाला नंबर बनाने हैं। इसके पार्ट है पहला कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब आपको डिजिट रिपीट नहीं करना है। और सेकेंड पार्ट है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, मतलब आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। डिजिट का मतलब वो नंबर्स है 7 और 8, जिसमें रिपीटेशन अलाउड है उसमें हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब दोबारा भी लिख सकते हैं। और जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है उसमें एक ही बार आपको लिखने हैं वो नंबर। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? पहला पार्ट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ये जो है पहले उसको हम फॉलो करेंगे कि इसमें हम नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, मतलब एक नंबर जो एक बार ले लिया उसको दोबारा लिखेंगे नहीं। इसके लिए अब हम दो ऐसे सर्कल बनाते हैं, दोनों में नंबर भरने हैं। तो पहले वाले में कौन सा नंबर भरे? तो हमारे पास नंबर भरने के लिए दिया क्या क्या है, एक 7 है और एक 8 है। तो पहले बार में 7 भर दिया, तो दूसरे ब्लॉक में हम क्या भरेंगे? क्योंकि 7 तो भर चुके हैं, हमारे पास दो ही नंबर है, तो दूसरा 8 ही खाली रह गया। तो इस तरह से नंबर बना 78। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि पहले ब्लॉक में हम 8 लिखते उसके बाद हम 7 लिखते तो 87 बनता। तो इस तरह से यदि हमारे पास दो नंबर दिया है 7 और 8 और कह रहा है कि दो डिजिट का नंबर बनाओ और उसमें नंबर को रिपीट नहीं करना है, तो हम दो नंबर बना सकते हैं, कौन कौन सा, 78 और 87। अब इसका दूसरा पार्ट है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो इसमें देखो, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो हमने 78 बनाया था और 87 बनाया था, ये दोनों नंबर तो बन चुका है सिंगल सिंगल यूज करके भी और हमें अब नंबर को रिपीट करना अलाउड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 77, मतलब 7 को रिपीट कर दिया, और 88। तो इस तरह से यदि नंबर रिपीट कर सकते हैं, डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तो 7 और 8 को यूज करके हम चार नंबर बना सकते हैं, वो है 78, 87, 77 और 88। तो ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल, अपनी मर्जी से सोच सोच के हम लिख रहे हैं। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू डिफरेंट वेज। ये पहला जो जगह है उसको हम दो तरीके से लिख भर सकते हैं, कौन कौन सा, जैसे ये दो नंबर में से किसी भी एक से भर लो, 7 से भर लो चाहे 8 से भर लो, किसी का कुछ ज़्यादा तो है नहीं। अब सेकेंड प्लेस कैन बी फिल इन वन डिफरेंट वेज, मतलब जैसे कि 7 भर दिया तो जो सेकेंड जगह जो खाली रह गया हम उसको कितने तरीके से भर सकते हैं, एक ही तरीके से। तो पहला प्लेस हम दो तरीके से भर सकते हैं और दूसरा हम एक तरीके से भर सकते हैं, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, तो टोटल टू डिजिट नंबर्स हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 ये इक्वल टू 2 हो गया और ये आंसर हो गया। ध्यान रखना कि इनको प्लस नहीं करना है, इनटू करना है, क्योंकि ये जो अलग अलग जो स्टेजेज है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। और इस केस में जब डिजिट को रिपीट करना अलाउड है तब हम फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल इन टू डिफरेंट वेज, वो तो पता है, इसमें भी पहले में भी वही सही था कि किसी भी नंबर से पहला प्लेस हम फिल कर सकते हैं। अब रहेगा कि दूसरा, तो दूसरे प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, तो दो तरीके से, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, वही नंबर रख दो चाहे दूसरा कोई रख दो। तो इस तरह से टोटल टू डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा आंसर। तो दो डिजिट वाले क्वेश्चन आप इस तरह से करोगे, जो कि 11th क्लास में बिल्कुल कम पूछा जाता है दो डिजिट का नंबर, जनरली 3 digit या 4 digit पूछता है या 4 से ऊपर भी पूछेगा। अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो हमने 2 digit नंबर से स्टार्ट किया ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब चलते हैं 3 digit वाले में। तो क्वेश्चन इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हाउ मेनी 3 digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 149।
अब यहाँ पे तीन नंबर दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है और 9 दिया है, इसको मिला करके 3 digits नंबर बनाने हैं, मतलब 3 अंकों का नंबर बनाने हैं। इसमें भी दो पार्ट है, पहले में है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं करने हैं, और सेकंड पार्ट में रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब आप रिपीट कर सकते हो। तो इसमें हम ये लिखे पहला पार्ट में कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 circles बनाते हैं। अब पहले सर्कल में कौन सा नंबर लिखे, तो आपकी मर्जी है, 1 लिखे चाहे 4 लिखे चाहे 9 लिखे। तो ऐसा करते कि पहले 1 लिख लेते हैं, तो पहला प्लेस को 1 से भर दिया। किसी को ऐसा लगे नहीं, हमें 1 से नहीं भरना है, हमें 4 से भरना है, तो 1 को हटा के 4 से भर दो। अब कोई ये सोचता है कि हमें 4 से नहीं भरना है, हमें तो 9 से भरना है, किसी के बाप की क्या जाता है, तो हम इसको 9 से भर देंगे। अपनी मर्जी है भाई, अपने मन की राजा। तो इस तरह से हम पहले प्लेस को चाहे 1 से भरे, चाहे 4 से भरे, चाहे 9 से भरे, 3 तरीके हो गए हमारे। तो ऐसा करते हैं कि हम लिखे वो रूल कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 different ways, तब सेकेंड प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि पहले प्लेस पे चाहे आप कोई सा भी नंबर रखो, 1 रखो चाहे 4 रखो चाहे 9 रखो। मान लो कि पहले प्लेस पे हमने 1 रख दिया, तो अब हमारे पास कितने नंबर बच गए, तो या तो 4 और 9 दो ही बच गया, तो अपनी मर्जी से हम 4 रख दें। अब जब 4 रख दिए तो अगला नंबर थर्ड प्लेस के लिए तो 9 ही बचता है, क्योंकि रिपीट नहीं करना इसमें नंबर। पहले प्लेस पे हमने 1 भर दिया, दूसरे प्लेस पे 4 और तीसरे प्लेस पे 9। एक तरीका ऐसा भी हो सकता था, यदि हम पहले प्लेस पे 1 भरे तो दूसरे प्लेस पे 9 भर सकते हैं और तीसरे प्लेस पे 4। तो ये जो सेकेंड प्लेस है उसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, तो 2 तरीके से। और थर्ड प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो अब एक ही नंबर खाली रह गया है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए थर्ड प्लेस को हम एक ही तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बन जाएगा, टोटल 3 digit नंबर्स कितने बनेंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 2 × 1, और ये होगा 3 × 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो 6 तरीके से हम नंबर बना सकते हैं। ये आंसर तो आ गया, लेकिन मन में ऐसा बात जरूर लगता है कि वो नंबर कौन कौन से होंगे। तो अब मैं आपको नंबर्स बना के दिखा रहा हूं कि पहले प्लेस पे हमने 1 तो भर दिया, अब पहले प्लेस पे 4 को रखे तो क्या होगा, 4 रखे तो नंबर कौन सा बच जाता है, 4 तो रख दिया हमने, 1 और 9 रह गया, तो 1 और 9 लिख दो। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले जगह पे 4 लिखे और दूसरी जगह पे 9 और तीसरे जगह पे 1। देखो सारे नंबर्स अलग अलग है, कोई भी नंबर सेम नहीं है, मुझे दिखता भी है, इसके फर्स्ट प्लेस पे 1 है, इसके फर्स्ट प्लेस पे 4 है, यहाँ पे नंबर चेंज हो जाते हैं, इसमें से कोई सा भी नंबर सेम नहीं है। तो हमारे पास 4 नंबर आ गया, लेकिन हम तो टारगेट लेके चले 6 का, 6 ऐसे डिफरेंट नंबर होना चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं, पहले नंबर पे मतलब पहले प्लेस पे 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो कौन सा नंबर बाकी रह गया, 9, तो 9 लिख दिया। अब इस 1, 4, 9 में से 9 तो लिख दिया, तो बाकी क्या रह गया, 1 और 4, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दे। इसको हम रीअरेंज करेंगे, 9 तो पहले जगह पे और 4 को दूसरी जगह पे ले आए और 1 को तीसरे जगह पे ले जाए। तो इस तरह से 1, 4, 9 को यूज करके हम 6 नंबर बना सकते हैं। हमारा ये प्रैक्टिकल हो गया और ये थियोरी हो गया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यहाँ पे सभी नंबर को एक ही बार यूज किया है। परेशानी तो तब होती है जबकि नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं। तो सेकंड केस आ गया, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अब 3 जगह भी आ गया, तो पहले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से। पहला में से तो कोई सा भी नंबर डाल दो, और सेकेंड प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, उसको भी 3 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो किसी को भी लिख दो भाई, 3 नंबर है वो, कोई सा भी लिख दो। और थर्ड प्लेस को कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो भी 3 तरीके से, फिर से वही बात, रिपीट करना अलाउड है, तो कोई सा भी नंबर उठा के रख दो। तो अब टोटल 3 digits नंबर कितने बनेंगे, हमने सीखा है कि इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 × 9 = 27, मतलब 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, 27 आंसर हुआ। ये तो हमारा थ्योरी कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली लिखना चले तो हमें 27 नंबर लिखना पड़ेगा।
तो एक एक करके सारे नंबर्स लिखते हैं। पहली बार इसको बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा, क्योंकि 27 नंबर्स आएंगे और आपका दिमाग यदि कंफ्यूज हो गया बीच में तो कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ ना कुछ नंबर तो छूट ही जाएगा। इसलिए इसको एक साइंटिफिक वे में अच्छे से सोच करके नंबर्स लिखना शुरू करो। यही बात समझना है, बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती रहती है, इसलिए हम प्रैक्टिकली ये बात कर रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, और जब एक्सरसाइज शुरू हो तो सारे क्वेश्चंस आप बिना किसी के हेल्प से सिर्फ ये वीडियो देख करके कर लो। तो एक नंबर को एक ही बार यूज करना है, तो कौन कौन सा तरीका है? 149, ये तरीका तो हमने पहले सीखा था जब हमने ये नंबर्स नॉट अलाउड किया था रिपीटिशन उस समय, और 194 ये हो गया। जब पहली जगह पे हम 4 लिखें तो 419 और 491 ये तो हो गया। यदि हम पहली जगह पे हम 9 लिखें तो 914 और 941 ये देखो, इसमें रिपीट नहीं किया किसी नंबर को। अब हम रिपीटिशन में चलते हैं, तो 1 नंबर 2 टाइम्स, मतलब किसी नंबर को, किसी भी एक नंबर को, मतलब यहाँ पास नंबर कौन सा है 149, तो इनमें से किसी एक को दोबारा लिखेंगे, डबल टाइम्स लिखेंगे। तो देखो एक एग्जांपल हो गया 114, इसमें हमने क्या किया है, 1 को दो बार लिखा है और 4 लिखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 को दो बार लिखकर 9 लिख दे, है ना मज़ेदार बात। अब हम ऐसे सोचते हैं कि 1 को नहीं 4 को डबल टाइम्स लिखेंगे, तो 441 हो गया और इसका दूसरा नंबर क्या बनेगा, 449। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 9 को डबल लिखें, तो 9 को डबल लिखेंगे तो तीसरा नंबर रह जाएगा 1, और 9 को डबल लिखेंगे तो तीसरा नंबर 4 भी तो हो सकता है। तो ये देखो, इसमें एक नंबर को हमने डबल टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है। अब इसी प्रोसेस में हम ये सोच सकते हैं कि जो नंबर एक बार लिखा है उनको हम बीच में रख दें। अभी तो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे रखे हैं, राइट साइड में, अब बीच में रखते हैं। तो देखो, तो इस 114 में से 4 को यदि हम बीच में रखें तो क्या बनेगा, 141, तो ये 141 हो गया। और इसमें से ये 9 को बीच में रखें तो 191। यहाँ पे देखो 441 में यदि हम 1 को बीच में रखते तो क्या बनेगा, 414, और इस 9 को बीच में रखे तो 494। वैसे ही इस 1 को बीच में रखे तो 919, और इस 4 को बीच में रख दे तो 949। अब एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लास्ट का नंबर जो ब्लैक कलर में दिख रहा है उसको हम सबसे शुरू में लिख दें। देखो इसमें कर क्या रहे हैं कि एक नंबर को डबल टाइम लिख रहे हैं, और जो अकेला नंबर रह गया, पहले केस में उसको राइट साइड में लिखा, दूसरे केस में उन्होंने बीच में लिखा, और तीसरे केस में बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो अब देखो क्या क्या बनेगा इससे, ये 411 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 911, ये क्या बनेगा 144, और ये क्या बनेगा 944, ये क्या बनेगा 199, और ये क्या बनेगा 499, है ना मज़ेदार बात। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर बने, और ध्यान रखना हमें 27 नंबर बनाने हैं। तो जब एक नंबर को 2 टाइम्स लिखा वो सारे केसेस हो गए। अब एक नंबर को 3 टाइम्स लिखना है तो 111, मतलब तीनों जगह पे 1 ही लिखा, या तीनों जगह पे 4 लिख दो, या तीनों जगह पे 9 लिख दो। अब काउंट करो, देखो इस लाइन में 3-3 नंबर है, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 ये हो गया, तो 3 ये, 3-6, 3-9, 3-12, 3-15, 3-18, 3-21 और 6 उधर 27, तो टोटल 27 हुआ। तो ये पूरा ही एक्सप्लेनेशन है। मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद आपको ये जो नंबर को अरेंज करने की जो बात है वो पूरा समझ में आ गया होगा।